आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। मजदूरों के पलायन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि मजदूर अपने स्थान पर हैं, मजदूरों को घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन बेबस मजदूर पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर निकल पड़ा है। कब पहुंचेगा कुछ पता नहीं है, पैरों के साथ शरीर भी जवाब दे चुका है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि मजदूर अपने स्थान पर मौजूद रहें और उन्हें ले जाने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाएगी, लेकिन बड़ी संख्या में मजदूर अभी भी सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर अपने घर पर जाने में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अबू बकर। कहाँ से आ रहे हैं? जयपुर से। तो पैदल चल के आ रहे हैं जी। क्या करते थे जयपुर में? काम कर सिलाई की। क्या करिए आप सर? क्या करें, खाने के लिए कोई नहीं दे रहा था। हम लोग कम बार कुछ नहीं। कितना परेशान है? बहुत परेशान है सर। क्या परेशानी होती है? आने जाने का, जाने का पैसा नहीं था, कुछ भी नहीं था खाने के लिए। आप कितना परेशान है आप सर? बहुत परेशान है। पैसे उसे नहीं था, रूम में नहीं रहने के लिए दे रहा था वो। अच्छा। बोला था चलो जाओ, वो भगा रहा था। आप लोग स्थानीय प्रशासन से नहीं मिले? नहीं नहीं मिल पाए। मिले तो कोई जोगार नहीं सोच रहा था हम लोग के लिए, कोई व्यवस्था ही नहीं सोच रहा था। सरकार मजदूरों को लाने की बात कर रही है, बसें चालू करी जा रही हैं। आप जाएंगे? मैं तो आगरा जाऊंगा सर। ये अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। क्या नाम है आपका? आफ्ताब। कहाँ से जा रहे हैं? बिहार जा रहे हैं। बिहार जा रहे हैं। बिहार कहाँ से चल के आए आप? जयपुर से। जयपुर से पैदल ही जाएंगे बिहार? बीच में एक दो गाड़ी मिली, ट्रक उसमें बैठ गए। थोड़ा मुश्किल हो रही होगी आपको, जयपुर में छोड़ दिया आपने? रहने का सुविधा नहीं था इसलिए जा रहे। क्या नाम आपका? मोहम्मद मंत्री। कहाँ से चले आ रहे हैं आप? जयपुर से। बहुत थक गए होंगे आप लोग। हाँ। खाना पीना कैसे चल रहा है? खाना पीना भी तो कुछ भी नहीं है। कैसे नहीं चल रहे? ये वो मजदूर हैं, बेहद परेशान हैं। क्या नाम आपका? अफसाब। कहाँ से आ रहे हैं आप? जयपुर से। कहाँ जाएंगे? बिहार जाएंगे। ये लोग राजस्थान जयपुर से चले हैं और बिहार जाएंगे। इन सभी को बिहार जाना है और पैदल ही पैदल ये लोग बिहार पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से थक चुके हैं, इनके पैर जवाब दे चुका है, इनका शरीर जवाब दे चुका है। राजस्थान में खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई, रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाई और यही वजह है कि ये लोग अपने घर के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। बेहद परेशान हैं ये लोग और दुखी हैं कि इस संकट के समय में किस तरीके से अपने घर पहुंचेंगे। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़ आगरा।